ले जा रही हूँ एमपी। रात के 8 बजने जा रहे हैं हम लोग, अभी जस्ट सूरजपुर क्रॉस कर रहे हैं। मेरे फ़ोन में कुछ बहुत चार्जिंग करने के बाद अभी 15% है और इस ट्रेन में चार्जिंग करने का सॉकेट नहीं है। व्लॉगिंग करने में दिक्कत होगा और फ़ोन शटडाउन ना हो जाए क्योंकि बिना कॉन्टैक्ट के हम वहाँ पहुँच नहीं सकते। तो बस वेट करो मेरे फ़ोन चार्जिंग होने का, तभी वीडियो शूट कर पाऊँगा, है ना। एमरजेंसी में लोकल में आना पड़ा। ये ट्रेन की स्थिति है लोकल मतलब जनरल डिब्बे की। तो बस हमारा उद्देश्य जिस काम के हम जा रहे हैं पूरा होना चाहिए, बस आप सबका प्यार बना रहे। दोपहर के 12 बज चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली एमपी मध्य प्रदेश। ये स्टेशन है सतना जिसको कहते हैं। यहाँ से बस हमको कोई या तो रिसीव करने आएगा या तो कोई लेने आएगा, ठीक, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ से मैं जाऊँगा अपनी बहन को भी छोड़ने जहाँ वो जा रही है, जहाँ मैं उसको पहुँचा दे रहा हूँ। बहुत तेज गर्मी है इधर, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ से कहीं ज़्यादा। जब से मैं हूँ तब से लग रहा है पिघल रहा हूँ, जबकि छाया में हूँ और थोड़ा बहुत हवा भी चल रहा है उसके बावजूद। आज फिल्टर वाले वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक ना। जस्ट ब्रश किया है, दोपहर के 12 बज चुके हैं, कुछ खा भी लेते हैं, बहुत भूख लग रहा है यार। कल रात से कुछ निकल, पूरा दिन भर इधर उधर व्यवस्था करने में लग गया था, वैसे टाइम निकल गया। और अभी जब समय मिला तो कुछ खा भी लेते हैं, उसके बाद में चलेंगे वहाँ जहाँ जाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ का कुछ सीन, ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 1 और ये 2, अगला वाला 3, और मुझे नहीं पता, ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है। हाँ, यहाँ एक चीज़ है, ये जो आपको रेस्टोरेंट दिख रहा है ना, गजब है यार, पूरा अंदर पूरा एकदम ज़बरदस्त। ऐसा लगता है कि मतलब लगता नहीं है कि नॉर्मल रेस्टोरेंट है, बड़ा बड़ा लॉज होटल जैसे फैसिलिटी रहता है ना, सेम वहाँ। और एक ट्रेन आ रही है सामने, लालागुड़ा दक्षिण मध्य रेलवे। बहुत से रेलवे स्टेशन देखे हैं और बहुत यात्रा की हूँ रेलवे, बहुत दूर दूर तक गया हूँ, आया हूँ अकेले, पर ऐसा सुविधा देखो, ये लग रहा है ना किसी 3-star, 4-star, 5-star होटल टाइप। मतलब इतना अच्छा व्यवस्था बैठने के लिए, अभी गवर्नमेंट कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं, इतना अच्छा लग रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है। सतना एमपी में मतलब बहुत कुछ स्पेशल है बाकी राज्यों के मुकाबले, और यह हो सकता है मेरी गलतफहमी हो, पर मैं पहली बार अपनी आंखों से इतना अच्छा व्यवस्था देख रहा हूँ, ठीक है। ये सब बैठने की व्यवस्था, पूरे चेयर, ऊपर पंखा लगा है, और देखो पूरा गार्डन वाली फील आ। जैसे आप सबको सीतापुर में 10 स्वाद कैफे और हमारे विवेक भाई की बिरयानी, दम बिरयानी सेंटर में जो फील आता है ना, वही फील यहाँ पर आ रहा है। देखो इसकी छत को देखो, जो वहाँ दीवारों पर डिज़ाइन किया गया है, यहाँ इस तरीके से छत को डिज़ाइन किया गया है। बहुत अच्छा लगा यहाँ घूम के, और एमपी में बहुत चीज़ बचा है तो आपको दिखाना है। कुछ खा पी लेते हैं, मेरी बहन और मेरा फेवरेट समोसा, दो समोसा खा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको वीडियोस बना के दिखाऊंगा। और यहाँ का कुछ नज़ारा, यहाँ के बाहर का सीन कैसे है, ठीक, एमपी दूर से। तो ये रहा रेलवे स्टेशन के कुछ बाहर का नज़ारा, ऐसा दिखता है। और हम लोग को यहाँ से जाना बस स्टॉप और वहाँ से आगे जाएंगे। तो जब स्ट्रगल करो ना, ऐसा कुछ आना पड़ता है, धूप गर्मी बरसात कुछ। तो चलते हैं। और भैया आपको ऑटो चलाते हुए कितना समय हो गया, आपको यहाँ ऑटो चलाते हुए कितना समय हो गया? आप मेरे वहाँ भेज रहे हैं, मत भेज। मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, टेंशन मत लीजिए, मैं बस अपना जर्नी मतलब यूट्यूब में डालता हूँ मैं वीडियो, कहाँ कहाँ जा चला रहा हूँ 2000 से। अच्छा सच्ची सच्ची बताइए, यहाँ से बस स्टैंड कितना दूरी पे बताइए? बस स्टैंड यहाँ से 2.5 किलोमीटर। चलिए आपने सही डायरेक्शन दिया, थैंक यू। तो निकलते हैं यहाँ से और बस स्टैंड पहुँच के आपको आगे के जर्नी शेयर करता हूँ कि हमको जाना कहाँ है और किसके साथ जाना है। चलिए थैंक यू भैया। तो सतना रेलवे स्टेशन, सतना बस स्टैंड से निकले, अब हम लोग पहुँचे हैं पिंडरा, ठीक। और यहाँ से मात्र 2-3 किलोमीटर की दूरी होगा जहाँ हमको जाना है। बहुत अच्छा जगह है, मतलब इस जगह को देख के लग नहीं रहा है कि मैं एमपी में हूँ, अपने छत्तीसगढ़ लगभग ही मेरे गांव जैसे लग रहा है। और हाँ थोड़ा सा इस्टेब्लिश है,
और दुकानें यहाँ बड़ी बड़ी है, नहीं तो राजापुर इसके मुकाबले कम नहीं है।